नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। एशियन गेम्स की शुरुआत 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चाइना के होंगजो में होनी है, जहां युवा निशानेबाज मेहुल गेश ने विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया था। कोलकाता की 22 साल की मेहुली ने फाइनल में 229.8 का स्कोर किया था। साथ ही जब हमने हाल ही में उनसे आगामी एशियन गेम्स को लेकर तैयारियों पर बात की तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। वी हैव मेहुली घोष विद अस, द 10 मीटर एयर राइफल चैंपियन। आई गेस द करेक्ट इंट्रोडक्शन इट वुड बी चैंपियन, क्योंकि अभी सामने एशियन गेम्स हैं, इसको लेकर बहुत बातचीत की जा रही है। आपको बहुत ऐसे सवाल मिले होंगे, क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या चल रहा है, कैसे, सिंपल कैसा लग रहा है to get a chance to go there to participate? Well, definitely it feels amazing क्योंकि मेरा ये पहला एशियन गेम्स है। तो आई हैव बिन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट एंड फाइनली गेटिंग सिलेक्टेड फॉर इट। मैं लास्ट ईयर भी सिलेक्शन टीम में थी, बट आफ्टर द गेम्स गेटिंग पोस्टपोन इट ऑल गॉट रिन्यूड, बट देन अगेन गेटिंग सिलेक्टेड अगेन, इट डेफिनेटली फील्स अमेजिंग एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर द मैच। 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ, उसका एक्सपीरियंस कितना काम आने वाला है 2023 आफ्टर 5 ईयर्स वो कॉम्पिटिशन और ये कॉम्पिटिशन, क्या कुछ बदला है उसका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, अब वो कितना काम आएगा? वेल, डेफिनेटली बहुत काम आएगी। आई मीन वहाँ पे भी मुझे, मेरा वो पहला गेम्स था, उसके बाद मैंने यूथ ओलंपिक्स एंड साउथ एशियन गेम्स भी खेला है। सो डेफिनेटली सारे एक्सपीरियंस काफ़ी काम आएगा मुझे एशियन गेम्स में। मुझे ऑलरेडी पता है कि कैसे विलेज होता है, कैसे गेम्स होती है एंड क्या क्या एक्सपेक्ट करना होता है, वहाँ का खाना कैसा होगा, ये एंड हाउ द स्टे इज़ गोना बी। सो आई नो सो मेनी थिंग्स जो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ एंड वो एक्सपीरियंस मुझे डेफिनेटली हेल्प करेगा। एक बड़ा बचपना वाला सवाल है, जब हम वहाँ कॉम्पीट करने जाते हैं क्या पैर कांपते हैं? ओ, पैर हाल सब कांपते हैं, सब कांपते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बट उसी लेवल पे सब कुछ कांपने के बगैर भी कैसे आप इनर टेंस मारते हो, वही शायद वही अलग बनाता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को और बाकी। हाउ इट फील्स टू वियर ट्राई कलर ऑन योर ड्रेस और उसको रिप्रेजेंट करना, कितना प्रेशर होता है, आप उस चीज़ को कैसे फाइट बैक करते हैं, द मेंटल स्टेटस एक खिलाड़ी का क्या होता है? वेल, फॉर मी इट इज़ लाइक इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं इंडिया के लिए खेल रही हूँ। मैं वैसे नहीं देखती कि इट इज़ अ प्रेशर फॉर मी, क्योंकि ये मौका मिलना कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया में, इंडिया के लिए बाहर जाके, दैट इज़ इट सेल्फ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ प्राइड मोमेंट। उसके बाद क्या आप मेडल ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो बहुत बात की बात है, क्योंकि खेल में ये हार जीत होता रहता है, बट वेयरिंग अ इंडिया जर्सी एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया आउटसाइड योर कंट्री, दैट्स अ बिग मोमेंट एंड एवरीवन शुड बी फील प्राउड ऑफ इट। लास्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टारगेट 2024 ओलंपिक्स, हाउ डू यू सी इट? कोचेस से क्या बात होती है, तैयारियों से यहाँ जैसे कैसे होती है? वेल, तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, जैसे मेरे कोचेस से बात चल रही है कि ये हमारा जैसे प्लानिंग चल रहा है उसी हिसाब से प्लानिंग में काम अच्छे से चल रहा है। मैं अभी हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही हूँ गन फॉर ग्लोरी शूटिंग रेंज पे, सो वहाँ पे ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है एंड हम सब चीज़ों में काम कर रहे हैं, लाइक विजुअलाइजेशन, मेंटल के साइड से, फिजिकल, न्यूट्रिशन, सब एंगल से हम काम कर रहे हैं, तो होपफुली अच्छा ही होगा। साथ ही भारत को 2012 लंदन ओलंपिक्स में शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले गगन नारंग से भी बातचीत की है, वो युवा प्रतिभाओं को किस तरह देखते हैं और भारत इस बार किस तरह एशियन गेम्स में बेहतर कर सकता है, इस पर हमने उनसे बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे फील कर रहे हैं, क्योंकि आज जर्सी लॉन्च था और तमाम बड़े एथलीट्स भी यहाँ थे, आप भी खुद मौजूद हैं और अब पूरी तैयारियाँ चली गई हैं एशियन गेम्स के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, क्योंकि हमें ऐसा जर्सी लॉन्च नहीं मिलता था इतना बढ़िया। आई थिंक भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इससे अच्छा मौका आईओए को नहीं मिला, नहीं मिलता, बट ये हमारा सौभाग्य है कि नए आईओए के अंडर, वीटी उषा मैडम की लीडरशिप के अंडर हम ये इवेंट आयोजित कर पाए और मैं तहे दिल से अपने स्पॉन्सर्स को शुक्रिया देना चाहता हूँ जिन्होंने इस इवेंट को और बाकी सारे एथलीट्स को स्पॉन्सर किया। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। फुट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि सारी एथलीट्स की ट्रेनिंग उन्होंने सपोर्ट करी और टॉप डिवीजन खास करके जो लगा हुआ है हमारे मेडल्स बढ़ाने में, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। हम चाहते हैं कि इंडिया जो है अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड दे और हमारे भारत की बेस्ट परफॉर्मेंस है। 23 सितंबर से शुरुआत हो रही है होंगजो के अंदर, चाइना के अंदर एशियन गेम्स की, और 632 हमारे जो एथलीट्स हैं वो जा रहे हैं इस बार, पिछले बार से इस बार ज़्यादा जा रहे हैं,
और साथ में 8 तारीख तक ये चलेगा सर, 2012 लंदन सभी को याद है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस जब आप कर रहे होते हैं और जब आप बड़े एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में उतरते हैं तो क्या माइंडसेट उसी में रहता है? वेल, बड़े खेलों का अलग ही महत्व रहता है। आई थिंक अपने अपने खेल में सब अपनी बड़ी वर्ल्ड चैम्पियनशिप से वर्ल्ड कप्स खेलते हैं, बट जहाँ की मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स आते हैं जैसे कि एशियन गेम्स हो गया या कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया या ओलंपिक्स हो गया, तो इनमें एक अलग तरीके का माहौल रहता है। आप अपने साथियों से मिलते हैं, दूसरे भारतवासियों को यहाँ पे भारत का नाम रोशन करने आए हैं, आप दूसरे स्पोर्ट के स्पोर्टिंग ग्रेड से मिलते हैं वहाँ पे, दूसरे स्पोर्ट के दूसरे कंट्री के, तो आई थिंक एक माहौल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है और इसी यही माहौल से लोग इंस्पायर होकर जो है कोशिश करते हैं कि वो अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाए। तो प्रेशर ऑफकोर्स डेफिनेटली होता है बिकॉज मेडल टैली और मेडल्स बढ़ाना सब चाहते हैं, जीतना सब चाहते हैं, हारना कोई नहीं चाहता वहाँ पे। तो हर खिलाड़ी जो हमारे भारत का है वो वहाँ जीतने के लिए ही जा रहा है, हारने के लिए कोई नहीं जाता। ये अलग बात है कि उस दिन पे वो कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि ये स्पोर्ट। तो सुना आपने, भारतीय एथलीट्स ने एशियन गेम्स के लिए कमर कस ली है, जहाँ 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में भारतीय दल जो है एशियन गेम्स में अपना दमखम दिखाता हुआ नजर आएगा और उम्मीद यही है कि इस बार भारत ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जो है एशियन गेम्स में जीत पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा।